आई होप यू आर ऑल डूइंग हैप्पी, एंड साउंड माय लव्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि है आपके फ्यूचर स्पाउस की इनसिक्योरिटीज़ क्या होंगी आपको लेकर के ओके व्हाट विल बी देयर इनसिक्योरिटीज क्या होगी सिचुएशन अबाउट देयर आई मीन देयर वीकनेस इन यू या जो भी वो यू नो वे वॉन्ट वर एवर दू नॉट आपके साथ वो क्या चाहते हैं वो क्या आपको खोने से डरते हैं वो क्या नहीं चाहते हैं आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग ओके सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू ऑफ कोर्स चूज़ योर पायल एंड आपके नेम अनिशल्स हैं पायल वन एंड पायल टू ओके चूज़ योर पायल अकॉर्डिंगली आई विल सी यू ऑन योर रेडिंग आपके टाइम्स टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देर हेलो लव हेलो हेलो वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैरोलामावान कैसे हो आप सब ओके okay. सो so, uh, आप देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की इनसिक्योरिटीज़ uh, जो हैं आपको लेकर के ओके सी वो क्या है उनके मन में कितना वो डरते हैं आपको कौन से कि फ्यूचर स्पाउस की इनसिक्योरिटी क्या होगी ओके okay, गाइस uh, सबसे पहले मैं इधर देख रही हूँ आपकी जो हस्बैंड uh, है या वाइफ उनकी uh, सबसे पहली जो इनसिक्योरिटी है जो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो दैट इज़ रिलेटेड टू के सम्बडी एल्स डेटिंग यू ओके आई मीन टू ऑफ कप्स आई मीन उनको इमेजिनेशन में मे बी शादी से पहले का सीन हो सकता है शादी से पहले का सीन है लाइक ही इज़ लिटरली वरीड लाइक ही इज़ इमेजिनिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और आ जाए और कोई और आ जाए और यू you नो know, आपको आपको ऑन कर ले और वो वो कहाँ पर उनकी तो कोई जगह नहीं राइट right? तो ये चीज़ इनकी सबसे पहली इनसिक्योरिटी है होगी कि मतलब आ, मतलब वो हो सकता है ऐसा इमेजिन करते हो कि कोई और लड़का है कोई और लड़की है जिसको आप डेट कर रहे हो जिसके साथ आप यूरोम घूम फिर रहे हो ठीक है तो ये इस चीज़ से सबसे पहले वो डरते हैं कि कोई और तो नहीं है आपके साथ इट इज़ नॉट अबाउट शक आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई हेयर फॉर गिस दिस ग्रुप के गाइज आपके पर्सन शक्की नहीं है दिस हिज़ इन हिज इनसिक्योरिटीज़ जिस बात से वो डरते हैं जैसा वो होने नहीं देना चाहते हैं इज़ लिटरली लाइक इज़ लिट्रली यू कैन से इज़ ड्रीमिंग लाइक इज़ आप वो आपके साथ होने चाहिए आप उनके साथ होने चाहिए कोई तीसरा बंदा बीच में ना आए सो दिस इज़ हिज फर्स्ट इनसिक्योरिटी कि कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किस्म के भी इस रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए Um, दूसरा दूसरा यू नो उन्योरिटी है थ्री ऑफ वन्स के साथ कि मे बी मे बी उनको ऐसा लगता है या उनको ऐसा शादी से पहले लगेगा कि आप या तो प्रपोज़ल को टर्न ऑफ कर दोगे टर्न डाउन कर, दो मतलब कर दोगे मतलब रिफ्यूज़ कर दोगे एंड इफ नॉट तो आप उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाओगे आई <laughs> डोंट नो बाय बट uh, उनकी इनसिक्योरिटी है उनको ऐसा फील होता है कि लाइक यू आर द पर्सन कि जिसके पीछे बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं uh, uh, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में पब्लिक में लेकिन uh, अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ किया अभी तो यू विल रिफ्यूज़ राइट अवे वे यहाँ पर अगर आपने रिफ्यूज़ नहीं भी किया तो स्टिल यू आर थ्री योर वैन एनर्जी आप यू you नो know, उनको आगे का टाइम दोगे जैसे वो कोर्ट uh, में नहीं पड़ती आगे तारीख के यू नो नेक्स्ट डेट पे आपका वो होगा सो दैट इज़ हाउ इज़ थिंकिंग ओके एक और उनकी इनसिक्योरिटी जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो मुझे दिख रही है ग्रुप डॉ वर्ड के पर्सन की दैट इज रिलेटेड टू यो यर मैरिज फॉर ऑफ हिज़ ही इज़ बिगेस्ट बिगेस्ट फ़ियर एंड इनसिक्योरिटी वो डरते हैं कि आपकी शादी कहीं और ना हो जाए वो तो डरते होंगे कि मतलब जब आपको ऊपर पसंद कर लेंगे ना ये वी लिटरली लाइक कि आपको कोई और ना ले जाए आपसे कोई और शादी ना कर ले ठीक है वजह क्या है पेज ऑफ पेंटिकल्स उनको लगता है प्लीज़ माइंड माई वर्ड्स कि उनको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो आप बहुत सुशील हो बहुत खूबसूरत हो आप में बहुत सारे गुण हैं आप को तो कोई भी पसंद कर लेगा लाइक यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव तो ही शुड बी द वन इस ये पहला इंसान होना चाहिए कि जो आपको अप्रोच करे ठीक है ये इंसान बहुत पजेसिव होगा आपको ले करके इवन इवन शादी के बाद भी आई कैन सी आपको कोई यू आर लिट्रली अन टचबल इस इंसान के नज़र में यू आर लिटरली अन टचबल एंड वो मतलब अगर उनको किसी से लड़ना भिड़ना पड़े ही इज रेडी फाइट फॉर यू मतलब एक्सट्रीमली ऑन ये करते हैं आपको ठीक है तो ये इनकी ये बहुत बड़ी फियर है ये का बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है ओके okay? चैरियट और इनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ है एस ऑफ सोर्ट्स फियर्स टू ऑफ पेंटिकल्स गाइस इवन शादी के बाद भी आई कैन सी कि ये पर्सन बिजी है काम वाम में बिज़ी होता है हो सकता है मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम शुरू किए हुए हों एक के साथ ना दूसरे भी कई काम शुरू किए हुए हों तो ये पर्सन बहुत ना वो है बिज़ी होता है और लाइक हो सकता है ये आपको इतना वक्त नहीं दे पाता इतना समय नहीं दे पाता शादी के बाद आए ना फिर आप भी बिज़ी हो गए अपने घर में काम काज में फिर बच्चे हो जाए फिर और यू नो बढ़ जाती है बिज़ीनेस सब so, Uh, ये भी बहुत बिजी पर्सन है लेकिन ये सब सोर्स इनको ऐसे लगता है या हो सकता है आपने कभी मेरी जब आप लोग अनमेरिड थे तो आपने बताया हो इनको कि लाइक uh, मुझे पसंद नहीं है कि तुम तो मुझे वक्त नहीं दो मुझे ऐसे पसंद है कि तुम तुम्हारा सारा वक्त मेरा हो और तुम मेरे रिप्लाई दिया करो टाइम पर आई कॉन्ट वेट टू बी योर्स uh, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा रिप्लाई पढ़ना और तब तुम तो मुझे रिप्लाई नहीं देते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह का कुछ आपने कहा होगा कि मुझे वक्त दिया करो ठीक है तो जब यह आपको प्रॉपर वक्त नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ़ बिज़ीनेस एंड स्टफ लाइक दैट आप खुद भी बिज़ी होती हैं शायद तो ये पर्सन ऐसा सोचता है कि कहीं इसको ना लग जाए ठीक है हे सफसोरस फिर ये इंसान जब घर आया करेगा रात को शाम को फिर आपको आके बताया करेगा कि मैंने वो जान वो मतलब दूसरा वो टाइम आपका मैसेज आया था मैं रिप्लाई इसलिए नहीं, नहीं कर पाया था आई कैन ऑलरेडी सेम गिविंग यू लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस बहुत सारी आपको एक्सप्लेश ये वजह थी जिस वजह से मैं जो हूँ आपको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ तो ये भी इनके इन हो सकती है कि आपको नाराज नहीं करना <laughs> तो काफी क्यूट पर्सन है और देखते हैं और क्या वीकनेस है इनकी आप में सेवन ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ इनकी और क्या इनसिक्योरिटी है किंग ऑफ कप्स नाइट ऑफ बाबरे oh oh, इनकी ये क्या फीयर है इनको फाइव ऑफ सोर्स के साथ इनको ना आपकी लड़ाई से बहुत डर लगता है कि आप कभी लड़ू ना इनसे बिलावच जा ठीक है मे बी ये इंसान लड़ाई से बहुत ज़्यादा भाग ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप किस सिवा मतलब आप इनसे लड़ो या आप यू नो उधर मुंह करके सो जाओ एक ये भी इनकी इनसिक्योरिटी है अगर आप रात को इनको हक करके नहीं सोते हो अगर आप रात को इनके पास यू नो जो भी आपका स्टाइल है स्पेसिफ़िक्स सोने का इनके साथ हक करके या इनके ऊपर या एवर अगर आप उस तरह से नहीं सोते हो या आप इनको गुड नाइट किस नहीं देते हो तो आ, इनका सारी रात उनकी यू नो झाक झाक के गुजरने वाली है क्योंकि इज़ किंग ऑफ कप्स ये कहाँ विदाउट दिस लविंग जेस्चर्स वो इतनी प्यार के बगैर नहीं जी सकता ये पर्सन इसकी कमज़ोरी है ये इंसान यू नो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खाने भूखे रह लेंगे लेकिन वो यू uh, नो you know, खाने के बगैर वो रह लेंगे लेकिन वो प्यार के बगैर नहीं रह सकते दिस इज़ अ थिंग विद योर पर्सन ओके मतलब आई कैन सी ये कि इज़ वेरी वेरी सबमेसिव आपने जैसे बोला आई इज़ डूइंग दैट जस्ट टू मेक यू फील हैप्पी ठीक है और ये इनकी बेजा मोहब्बत है ये इनकी एक्स्ट्रीम लाव एनर्जी है इस वजह से ये यूँ कर रहे हैं मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि हु इज़ यू कैन से आप उसको कोई फॉर ग्रांटेड ले लो या आप ये समझो कि लाइक इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना ओके बिकॉज किंग ऑफ वैंस आई इज़ वेरी पावरफुल मैन इसको आप में अट्रैक्शन आती है इस वजह से ये यूँ करता है आपके पीछे आपका पीछा इसलिए करता है क्योंकि इसको आप में अट्रैक्शन आती है वन शादी के बाद भी मे बी आप ट्रू लवर हो मे बी उनको ऐसे लगता है कि आप भी उन्हीं को आपकी जैसी दोबारा नहीं मिलनी या आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है इनकी खातिर शादी से पहले या बाद में जो सिर्फ इनके लिए आपने कुछ किया है ज़िंदगी में दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो मच ओब्लाइज टू यू सो मच लविंग सो मच केयरिंग दिस पर्सन वॉन्ट्स यू ये इंसान आपको चाहता है कि आप इनके साथ रहो और ये कभी भी आपको नाराज़ ना करें इनके बिगेट इज़ बिगे यू नो इनसिक्योरिटी इज़ दिस आगे हम देखें अगर तो नाइट ऑफ पैंटिकल्स के साथ आपको फाइनेंशियली फुलफिल्ड रखना सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है इसके अलावा अगर आपके रोमांटिक लाइफ में देखा जाए तो ये पर्सन आपको मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे के रखा करेगा कई लोग ये रखो तुम हाँ कुछ खर्चा हो सकता है कुछ यू नो मे बी यू नीड सम मनी तो ये तुम रखो आगे के लिए सी सेवन ऑफ पेंटिकल्स इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए सेविंग या ये हो सकता है कि इंसान जो भी एक्स्ट्रा कमाएगा ये ला करके आपको देगा कि जस्ट सेव इट फॉर फ्यूचर हमने ये फलां चीज़ ख़रीदनी है फ़लां चीज़ हमने यू you नो know, जो भी करना है तो इसके लिए पैसे जमा करके रखो तो लिटरली इज़ ऑफरिंग यू मनी एंड ये इनकी सीक्रेट uh, uh, है एक ऐसा कि uh, मतलब मे बी समाइम्स ये अपनी पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं बताते यू नो मनी मैटर्स Uh, यह आपके और इनके बीच में सीक्रेट होगा मनी मैटर ठीक है सेविंग्स ये सब चीज़ें मैं पहले ही देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा प्लानर हो आप बहुत अच्छी सेवर होगी ठीक है सो व्हाट इज़ हिज़ नेक्स्ट इनसिक्योरिटी अबाउट यू या फियर या गिल्ट या जो भी है इनको लेट्स सी फे ग ठीक है इन की हैं लेकिन फेथ कार्ड कुछ और ही बता रहा है इसको आप पर हंड्रेड एंड टेन परसेंट विश्वास होगा ट्रस्ट आपका रिलेशनशिप ट्रस्ट भी बिल्ड होगा ठीक है हज़ार मुश्किलें हैं ठीक है हज़ार uh, कह लो रुकावटें होंगी या कह लो हज़ार इनसिक्योरिटीज़ इनकी होंगी तो क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा इनसिक्योर है मुझे लग रहा है ठीक है आपके मामले में लेकिन इनको ये कोई अगर कह दे कि आपने इनके सा लॉयल्टी की है या यू आर नॉट फॉर हिम इस तरह नो ही विल वो किसी की बात नहीं सुनेगा आपके मामले में ठीक है इतना रॉक सॉलिड ट्रस्ट है इस पर्सन को आप पे दूसरी बात यह है कि इनको ऐसे लगता है कि आप मसले ख़ुद सॉल्व कर लोगी ठीक है यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर काफ़ी आपको वो समझते हैं वाइज कि जो अपने डिसीजन ले सकती है इज़ रियली गुड एट डिसीजन मेकिंग ओके सो ये भी इनकी एक है आप में अट्रैक्शन जोए बहुत खुश हैं भाई आप को ले करके और इनकी ये एक है कि आपको हमेशा खुश रखें आप इस तरह से ना जिंदगी में ऐसे नाचती गाती रहो हमेशा खुश रहो ये एक इनकी बहुत बड़ी इच्छा है ठीक है और काफ़ी यू नो इज़ क्वाइट आप कह लो ये इंसान मतलब तो तो आपको खुश रखना ये जब अगर ये आपको खुश रखे तो ही इनको लगेगा कि ना आई एम अ सक्सेसफुल हस्बैंड नाउ आई एम अ गुड हस्बैंड ठीक है वेलकोहलिक बोला है मैंने आपको काफ़ी ये बिज़ी होते हैं काम में बिज़ी होते हैं आपको प्रॉपर वक्त नहीं दे पाएंगे लेकिन ये चीज़ को वो फील करते हैं ये चीज़ को वो पोलजाइज भी अक्सर किया करेंगे कि जान प्लीज़ डोंट कैट मैड एट मी मेरे से गुस्सा मत होना काम बहुत होता है मैं क्या करूँ ठीक <laughs> है फसा हो सकता है गाइजा ये इनकी एक डार्क थाट है कि उनको ऐसे लगता है कि कहीं अजीब से थॉट है लेकिन ना डार्क थॉट है उनको कभी कभी ऐसे लगता है कि मे बी उनको ऐसे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो, वो रियल नहीं है समझे मेरे फॉलो ये मतलब ही थिंग्स कि आपको ऐसे लगता है कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है हला ऐसा नहीं है मेरा नहीं ख़्याल आपको ऐसी कोई फीलिंग आती है उनको ऐसे लगता है कभी कभी कि कहीं ये ना समझ ले कि मैं इसको चीट कर रहा हूँ ठीक है इसके लिए ये बहुत सारी रेमेडीज़ बहुत सारी अमेंडमेंट्स बहुत सारी यू you नो know, इस तरह की चीज़ें ये कर सकते हैं इज़ रियली मेकिंग आउट मोर थिंग्स ओके और आपको फिर इसीलिए मेरे ख़्याल में खुश रखने के लिए ना ये या आपको मनाने के लिए ये बहुत सारे और भी पहन खड़े करेंगे वेल इज़ वेरी वेरी क्यूट पर्सन जी हैंडमेड मैड से देख लेते हैं क्या इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं और फैमिली मेरी नहीं मानती मैं क्या करूँ सो so, मे बी कोई फ़ैमिली के इश्यूज हो आपकी दोनों की शादी से पहले फ़ैमिली इश्यूज हो सकते हैं मेरी मजबूरी को समझो ओके okay? मैंने बोला ये इंसान बड़ा मजबूर है ये आ, मिस्टर मजबूर है थोड़ा सा बिज़ी भी होता है लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहता है अनब्लॉक सो so, हो सकता है ये भी इनकी डार्क थॉट हो इनकी ये भी यू नो अनसिक्योरिटी हो के, आ, आ, आ मतलब आप उनको कई कभी, कभी ब्लॉक ना कर दो ठीक है ओवरबर्डन बोला है ये इनके पहले भी आ चुके हैं एनर्जी बहुत वर्काहलिक है और इस काम के चक्कर में आपको कहीं ना खो दें ये इनकी एक थॉट है वट एल्स ओके गाइज ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं बी डी एम डब्ल्यू जी यू एन एप यू एन पी ठीक है सो so, और क्या इनके हैं गाइज़ न्यू नेवर न्यू कि ये सब हो जाएगा सो गाइज आई नो कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आप दो के बीच में और पेरेंट्स uh, को कैसे मनाऊँ अगेन यहाँ पर पेरेंट्स की एनर्जी है फैमिली थर्ड पार्टी बन के आ सकती है आंखें तरस गई हैं तुमको देख देखे सो so, ये भी इनकी एक वीकनेस है आपको देखना चाहते हैं ये रे ही रेली वॉन्स टू सी यू कैसे भुला दूँ गाइज uh, इनकी एक ना इनसेरिटी एक इनको ऐसे है कि अगर आप कभी इनको छोड़ गई ठीक है तो फिर हाँ ये आपको नहीं बुला पाएंगे इज़ रियली रियली वेरी वेरी सेंसिटिव इस मामले में बता रही हूँ मैं मुझे माफ़ कर सकोगी इज अ लॉट ऑफ अपोलॉजीज ये इतना पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हालांकि इतने लोग होते नहीं हैं लेकिन आई कैन सी कि इंसान बार बार आपको सॉरी बोलेगा इस तरह से राइट आई एम रेडी टू गेट यस सच नो फॉलोइंग फॉर यू है बहुत ज़्यादा रेडी टू गेट पनिश्ड मोर ने एस वी वाई जे एफ एन एन ओके आई एम आई एम आउट ऑफ माई माइंड वो तो मुझे लग ही रहा है आउट ऑफ हिज माइंड रुडली आउट ऑफ हिज माइंडस्मत का लिखा यही था वे डेस्टिनी बिलीवर नेगेटिव एनर्जीज इवल स्पिरट्स हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जीज़ इनके आसपास हो शादी से पहले या कुछ नेगेटिव सोचते हो नेगेटिविटी ने इनको घेरा हुआ हो लेकिन यू विल बी द वन कि जो उनको एनलाइटन करोगी बिकॉज आई जस्ट सॉ इलेवन एलेवन ही ओके बॉटम ऑफ द दिस टेक्ट इट वाज एलेवन एलेवन सो आई एम जस्ट सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी और आप दोनों तो का यूनियन भी बहुत जल्द हो जाएगा ठीक है सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो अपना ख्याल रखना आप टेक केयर बाय ग्रुप टू आइए हम देखते हैं क्या सिचुएशन है आपके पर्सन क्या है डार्क थाट्स उनके सीक्रेट्स वो किस चीज़ से डरते हैं हिज इन सिक्योरिटीज ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ फैंस किस चीज़ से वो डरते होंगे His insecurities. What is his insecurities? Okay गाइस ग्रुप नंबर टू सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपके जो पर्सन हैं ही इज़ वेरी वेरी कमिटेड टू यू ठीक है तो कमिटिड uh, है ये पर्सन बहुत ज़्यादा और मैं ऐसे कहीं देख रही हूँ मे बी मे भी, भी वाटर साइन या इनके चार्ट में बहुत सारी वाटर साइन प्लेसमेंट्स हैं इट वाइसिस कैंसर एंड स्कॉर्पियो इस पर्सन की बहुत सारी डीप थाट्स हैं बहुत सारी इमेजिनेशन है ये इंसान बहुत डीपली इमेजिन करता है किसी भी चीज़ को और विद हाई प्रिस्टेस एनर्जी आ, हो सकता है ये पर्सन मतलब इसको सोचें बहुत अजीब अजीब आती है ठीक है आपको लेकर के इनकी सबसे बड़ी डार्क थॉट ये हो सकती है कि लाइक ये इंसान को ऐसे लगता है टेन ऑफ सोर्स के साथ कि लगता होगा कि मतलब आप इनको छोड़ जाओगे पक्का हल ऐसी बात नहीं है आपने कभी इनसे ऐसी बात नहीं की होगी लेकिन इनका सबसे बड़ा फ़ियर आपको लेकर के यही होगा कि यू विल लीव हिम आप इनको छोड़ जाओगे और ये चीज़ इनको इतना जहनी डिस्टर्ब करती है इतनी ये चीज़ डिस्टर्ब करती है इन नाइन ऑफ सोर्स कि रात को जाग जाग कर देर देर तक ओवर थिंकिंग करते रहेंगे कि कहीं ये लैदा ना हो जाए हम दोनों कहीं ये ना हो जाए और कभी ऐसा ना हो कि सेपरेट um, uh, हो जाए लाइक यू नो राइट सो ये पर्सन विद इन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स यू कैन से दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल ओके okay? मतलब हर दफ़ा ये इंसान का दिल करता है कि आपको कुछ ऑफ़र करें चाहे अपनी मोहब्बत ऑफ़र करें चाहे अपना पैसा ऑफर करें बिकॉज ये पर्सन आपसे सेपरेट होने से बहुत ज़्यादा डरता है एनविदी हेलमेट एनर्जी ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कभी कभी लाइक ही इज सिटिंग अ लोन अकेले बैठे हुए हैं और अजीब अजीब सी इनको थाट्स आ रही हैं एक रूम में अक्सर अकेले अपने आप को लॉक भी कर लेते हैं और फिर यू uh, नो you know, uh, फिर इनको हो सकता है लाइट ऑफ कर लेते हो फिर पूरी लाइफ को सोचते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ईच एंड एवरी थिंग ही थिंग्स अबाउट के क्या हुआ मतलब लाइफ मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है क्या क्या हो रहा है और आगे क्या होगा स्पेशली फ्यूचर को ले लेके इंसान काफ़ी इनसिक्योर होगा ठीक है लेकिन आपका प्यार ऐसा होगा पेज ऑफ कप्स के साथ कि आपका प्यार इतना यू कैन से चाइल्ड लाइक होगा कि वो ही आखिरी तसल्ली होगी इस पर्सन के लिए ई विल भी लाइक ओके अगर ये मेरे से इतना प्यार करती है जहार भी कर रही है मेरे से तो मुझे कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है लेकिन बार 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 इस पर्सन को वही तोट आती है बार बार ये उधर ही जाती है इसका ध्यान कि कहीं हम अल्लाह ना हो जाए यूसी टाइन ऑफ सोर्स कि कहीं हमारा ब्रेकअप ना हो जाए या इवन इवन गाइस शादी के बाद भी ना इनको uh, आपको खोने से बहुत ये पर्सन डरता है और uh, उसकी अमेंडमेंट के लिए ऐसा कहीं हो ना जाए इसके चक्कर में ये पर्सन आपको बहुत सारी ऑफर्स ला कर भैया करेगा मे वी इज़ गिविंग यू गिफ्ट्स मे बीवी इज गिविंग यू हिज लव ओके सो या मोर और इसकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं एम्प्रेस six of wands and knight of swords ace of pentacles and justice Guys हो सकता है हो सकता है आ, मतलब आप काफी potential person हो मतलब आपके पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं आपके पास बहुत सारा आ, टैलेंट हो सकता है या आपके पास अच्छी जॉब हो सकती है या आपकी फ़ैमिली काफ़ी रिच हो सकती है ये चीज़ें भी इनको इनसिक्योर करती हैं देखो नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना हर बंदा हर बंदी के जेन में चीज़ आती है बात आती है जब सामने कुछ चीज़ नज़र आती है ठीक है तो इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड इज़ ऑलवेज ऑलवेज मेकिंग यानी कि मेकिंग हिम एबल टू यू मेकिंग हिम लाइक कि वो आपके सामने आ सकें आपके सामने खड़े हो सकें मतलब वो चाहता है कि आपको अपना आपको इतना काबिल बनाए कि आपके सामने खड़ा हो सके मतलब उसको सक्सेस चाहिए उनको ऐसे लगता है पता नहीं आपने क्या उनको वाइब दिया है या आपने कुछ नहीं भी कहा स्टिल इज़ थिंकिंग कि आप का रिश्ता मांगने के लिए या आपको खुश रखने के लिए शादी के बाद उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना पड़ेगा और उनको बहुत सारे और अर्निंग रिसोर्स भी हासिल करने पड़ेंगे दैट इज़ दी यू नो दैट इज हिज स्ट्रेंथ ओके एंड विद जस्टिस कार्ड अगेन यहाँ पर डाइवोर्स का यू you नो know, एक डार्क uh, थाट है उनका ये डाइवोर्स से बहुत डरता है पर्सन ये कभी भी नहीं चाहता कि आपको खोना ठीक है तो इनके जेहन में अक्सर आता है कि कहीं हम दोनों को डाइवोर्स ना हो जाए कहीं मुझे छोड़ना जाए तो लेकिन ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है जस्ट टू मेक यू हैप्पी जस्ट टू मेक यू फील बेटर ओके फाइव ऑफ सोर्स जी ये ना इनका एक डार्क थॉट है इनसिक्योरिटी है कि अगर आप कभी रूठो कभी आप नाराज़ हो जाओ ये सब सोर्स ये पर्सन यू विल बी लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू कमिंग फॉरवर्ड एंड टॉक टू यू जब तक आप मानती नहीं हो अब तक आपको मना नहीं लेते हैं ये पर्सन नहीं सोएगा ना आपको सोने देगा ठीक है सो so, मतलब यू विल बी लाइक कि ना मेरे को खुद सोना है ना मेरे को तुमको सोने दूँगा सो so, बेहतर यही मान जाओ तो क्योंकि तुमको पता है मैं तुमको ऐसे तो सोने दूंगा नहीं है ठीक है सो साउ याटा वैंस एंड चैरियट स्टार वाओ एंड क्वीन ऑफ कप्स गाइस अगेन इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज फियर्स आपको तो स्टार की तरह मानते हैं भाई पता नहीं आप क्या चीज़ हो मुझे नहीं पता आप करियर में आगे हो इंटेलिजेंस में आगे हो मुझे नहीं पता आपकी फ़ैमिली बैकग्राउंड इनसे बहुत ठप है या आप खूबसूरत बहुत हो क्वीन ऑफ कप्स कोई तो आपकी ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि उनसे ऊपर है और वो उसी को ले के बहुत इनसेर है उनको ऐसे लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी आपका रिश्ता मांग लेना चाहिए मुझे जल्दी जल्दी आपसे शादी कर लेनी चाहिए सो so दैट कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को पसंद कर लो या यू नो कोई आपके घर वाले आप कहीं और शादी कर दें या आप कहीं और यू uh, नो you know, ना चले जाओ दिस इज़ ऑल्सो हिज बिग इनसिक्योरिटी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ठीक है अगेन इनसिक्योरिटी इज़ जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्स यस गाय उनको ऐसे लगता है बहुत बोल्ड हो उनको ऐसे लगता है कि uh, मतलब तो उनसे उनसे कभी कोई गलती ना हो जाए ऐसी कि जिसको लेकर के आप अपना रिश्ता तोड़ दें इनसे पता नहीं क्या है इनको क्यों रिश्ता बार बार तोड़ने का ये सोचते हैं रिश्ता टूटने का इनकी ना एक इनर फियर है लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं है तो ये विल नेवर टेल यू कि मुझे ये डर लगता है लेकिन उनके दिल में फियर है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है चाहेगा और इवन शादी से पहले आ ले, शादी, शादी के बाद हो चीज़ें लेकिन इज़ वेरी फेयरफुल इसके इनर फेयर्स हैं ये ठीक है तुम क्यों मुझे ब्लेम कर रही हो इनकी एक डार्क थाट है कि कि उनको ऐसे लगता है कि जब भी कुछ होगा आप उनको ब्लेम करोगे इट इज़ योर फॉल्ट ओके आई एम नॉट शोइंग यू माई ट्रू फेस मैंने बोला है ना कि अपनी इनर फेयर्स को कभी भी आपके सामने नहीं रिवील करेगा ठीक है अब अपने कारमा भुगतने हैं अगेन इनका एक डार्क थॉट्स है कि मैं मेरे कारमा भुगत रहा हूँ या अगर मैंने कुछ किया तो कारमा मेरा पीछा करेगा तो ये इंसान काफ़ी फेयरफुल है कारमा से आई एम रेडी टू गेट पनिश्ड अगेन यहाँ पे पनिशमेंट की वाइब uh, है यू um, नो you know, इस पर्सन के डार्क थाट्स हैं और ये इंसान डरता है कि मेरे से कभी कुछ ऐसा काम ग़लत ना हो जाए कि मुझे पनिशमेंट मिले और यू नो इस तरह की चीज़ें मेरे बस में अब कुछ नहीं है वेल well, ये इंसान आपके लिए परफेक्ट बनना चाहता है ठीक है और जब ये बन नहीं पाता है तो फिर ये इंसान हो सकता है कभी कभी हिम्मत हार भी जाए कि भी मेरे से अब और नहीं होता क्योंकि ये इंसान बहुत मैं देख रहा हूँ देख रही हूँ स्ट्रगल कर रहा है आपकी बराबर आने को आपके काबिल बनने को ठीक है तो इफ़ यू आर गिव हिम मोर टाइम तो वो गिव अप भी कर सकते हैं ये पर्सन ओके बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव मैन अब क्यों मुझे उसकी याद आती है वेल ये लिटरली मिस यू आपको एक्सट्रीमली पागल पने की हद तक ये पर्सन याद करता है मेरा कोई कसूर नहीं है प्लीज़ समझो ओके सो अ ऑफ अपॉलजीज़ कि इनका कसूर नहीं है इज़ रेडी टू एक्सप्लेन दैट तो आ, क्यों ये एक्सप्लेनेशन है क्यों ये ऐसी चीज़ है आ, इस इंसान की बहुत सारी इनर सिक इनर फियर्स हैं जो कि उनको ऐसे लगता है कि मुझे अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये हो जाएगा फिर मुझे इस बात से ये जवाबदेह होना पड़ेगा फलाक के सामने यहाँ आपके सामने तो इज़ क्वाइट इनसिक्योर ये आप देखना हो सकता है जब कोई आर्गुमेंट होता है ये सॉरी uh, जब को, कभी कोई आर्गुमेंट होता है यू कैन यू कैन फील कि ये पर्सन भाग भी जाते हैं अक्सर ठीक है सो so, uh, मतलब स्केप हो जाता है स्केपिस्ट बन जाता है मतलब ही वॉन्ट्स टू एंड द डायलॉग क्यों क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि मेरी गलती है इनको ऐसे लगता है कि मैंने सब कुछ किया ऐसी बात नहीं है ये सब इसके इनरफियर्स हैं क्या कोई रास्ता अभी भी बचा है वेल well, कभी भी आपकी लड़ाई हो डेफिनेटली ये पर्सन एक मिडल वे कोई भी ऐसा रस्ता कि जो आप दोनों का पैचअप करा सके आपको मना सके वो सोचा करेगा कुछ आ... यहाँ पे है नहीं मैंने शील एल यू डी ई जी आई ओ आई कैन फील यू ऑल अराउंड उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी उनके आसपास है दिस इज ट्रिपल टू विच इज़ रियली डिवाइन यूनियन कार्ड आप दोनों हमेशा इकट्ठे रहोगे सिर्फ इनके फियर है कि आप छोड़ जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है बस बहुत हो गया वेल दिस पर्सन इज ऑल अबाउट कि आपको सर शादी करनी है उनको आपको अपने घर लेके आना है लाइक डिवाइन यूनियन ओके मे बी कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है जिसने उनको बहुत सताया है लेकिन नाउ इज डन विद एवरी थिंग ए रियली वॉन्ट्स टू रीस्टार्ट हिज लाइफ ओके सो दिस वॉज रीडिंग आइज आई होप आपको पसंद आई योगी अपना ख्याल रखना आप जब तक बाय बाय